नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। हम देखेंगे कि प्राकृतिक गैस के कौन से भंडार हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। और प्राकृतिक गैस को लेकर के मैंने इधर भारत का एक मैप भी बना दिया है, जिसमें हम प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और इधर हम प्राकृतिक गैस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को जब आप देखेंगे तो पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है, अर्थात जो पेट्रोलियम भंडार हैं उनके ऊपर हमें देखने को मिलती है। अगर जो आप देखेंगे तो मान लीजिए कोई ये सतह है, इसको हम मान लेते हैं जैसे कोई सतह है। सतह के नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गैस मिलेगी, और गैस के नीचे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उसके नीचे पाए जाते हैं, अर्थात जो पेट्रोलियम के भंडार हैं उसके नीचे पाए जाते हैं। सबसे ऊपर सतह के नीचे गैस है, गैस के नीचे जब मान लीजिए यहाँ पर जब खनन करना हो, मान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ आपको निकालना हो, तो जब आप इसको खनन करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए खनन करना हो तो पहले आपको क्या मिलेगी, गैस मिलेगी, गैस के नीचे आपको पेट्रोल मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, गैस गैस हल्की होती है ऊपर और पेट्रोल क्या होता है नीचे रहता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, गैस के नीचे पेट्रोल होता है। तो पेट्रोलियम भंडार के ऊपर स्थित होती है, और जब पेट्रोल का जब खनन करना होता है, पेट्रोलियम का जब निष्कर्षण निकाला जाता है, तो उसमें पहले गैस निकलती है। और प्राकृतिक गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस में मेथेन होती है, और मेथेन को आप जानते हैं कई जगहों से, दलदल से और जो पशु जुगाली करते हैं उनसे, और कई जगहों से मेथेन निकलती है। उसी तरीके से प्राकृतिक गैसों में जब हम देखेंगे तो प्राकृतिक जो गैस होती है उसको आगे चल करके क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तेल शोधन के पश्चात उत्पाद के रूप में हमें एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस मिलती है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो होता है वो ब्यूटेन होता है, लेकिन जो नेचुरल गैस होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है मेथेन। और मेथेन धान के खेत से, पशुओं की जुगाली से, दलदल से और बहुत जगहों से निकलती है। तो याद रखिएगा, मेथेन और एलपीजी से, एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और सबसे पहले प्राकृतिक गैस निकली, फिर गैस जो निकलेगी उसको तेल शोधन किया जाएगा, तेल शोधन के पश्चात उत्पाद के रूप में एलपीजी प्राप्त होती है। अब इसमें जब हम देखेंगे तो आखिर जो पेट्रोलियम के भंडार हैं इनका पता कैसे लगाया जाता है, कि कौन सा पेट्रोलियम भंडार कहाँ पर स्थित है, तो उसका कैसे पता लगाया जाएगा, तो उसके लिए एक विधि है, उस विधि का नाम है सिस्मिक एक्सप्लोरेशन। सिस्मिक एक्सप्लोरेशन के जरिए क्या किया जाता है, इन भंडारों का पता लगाया जाता है। तो भंडारों का पता कैसे लगाया जाता है इसके जरिए, तो आइए हम थोड़ा सा बता देते हैं। मान लीजिए जैसे ये कोई समुद्री क्षेत्र या आसपास जाने अरब सागर समुद्री क्षेत्र, यहाँ पे ऊपर क्या कहेगी, एक नाव मान लीजिए है, ये क्या कोई एक नाव है, ये कोई क्या नाव है, नाव में यहाँ पर एक लगा दिया जाता है, जिसे कह सकते हैं इसका जो यहाँ से रेडिएशन निकलते हैं, रेडिएशन अंदर जाते हैं, और जो जो मान लीजिए पानी, पानी के नीचे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चट्टान है, कौन सी गैस है, क्या है, सभी का ये पता लगा लेता है, जो यहाँ से जो जो रेडिएशन इससे निकलता है। तो जैसे होता ना कि रेडिएशन जब निकलेगा तो उसकी एक लिमिट होगी कि वो कितनी स्पीड से अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से जाता है। मान लीजिए पानी में खूब तेज जाएगा, उसके बाद में कोई ठोस चट्टान पड़ेगी तो धीरे जाएगा, उसके बाद में कोई पेट्रोलियम पदार्थ तो और धीरे जाएगा, या उस तरीके से होगा कि यह तेज जाएगा। तो ये जब यहाँ से जाता है, जाने के बाद ये वापस हो जाता है, तो वापस होने के बाद में एक दूसरा यहाँ पर रिसीवर होता है जो इस लौटी हुई रेडिएशन को कैच करता है, और इसको फिर जो ये डाटा निकल के आता है, डाटा को जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनको एनालिसिस करते हैं उन डाटा को, उस डाटा से जरिए पता लगाते हैं कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी गैसें अंदर हैं, कौन कौन से पेट्रोलियम पदार्थ हैं, चट्टानों का स्वरूप अंदर कैसा है, इन सब का पता लगाया जाता है। तो इस जो तकनीक को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं सिस्मिक एक्सप्लोरेशन के जरिए क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ ये नाव के जरिए भी और स्थलखंड पर भी इसके जरिए पता लगा सकते हैं। देखिए ऐसे मेटल डिटेक्टर नहीं होता है, मेटल डिटेक्टर जैसे कोई एग्जाम देने आप जाते हैं तो वहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर लगा होता है, या आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपके सामने लगाया जाता है। तो आप अगर जो शर्ट के अंदर मान लीजिए आप जैकेट पहन के जा रहे हैं, तब भी अंदर बेल्ट होगी तो बता वहाँ पर वो आवाज़ करने लगेगा। अगर जो आपके पॉकेट में कोई कॉइन रखा है, सिक्का है, तो वहाँ पर भी आवाज़ करने लगता है, तो वो मेटल डिटेक्टर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कह सकते हैं इसके जरिए जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके जरिए फिर एनालिसिस करके एक डाटा निकाला जाता है, फिर पता लग जाता है कि यहीं पर भंडार पाए जाते हैं। तो उन्हीं भंडारों के जरिए फिर पूरी चीज़ें वहाँ पर एनालिसिस करके चीज़ें पता लग जाती हैं कि अंदर आखिर क्या क्या स्थिति है, फिर उससे फिर वहाँ पर खनन वगैरह किया जाता है, पेट्रोलियम और गैस ये सब चीज़ें वहाँ पर निकाली जाती हैं।
और चट्टानों का स्वरूप भी देखा जाता है कि आखिर अब आएंगे तो गंगा घाटी में आप पेट्रोल ढूंढने लगेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो एक जगह एक इंडिकेट होती है कि आप चट्टानों के स्वरूप आपको पता है कि कहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान है, कहाँ पर कौन चट्टान है, अब तटीय क्षेत्रों में कहाँ पर मिलेगा, तो वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको चीज़ें वहाँ पर दिखने लगती, मतलब सिचुएशन आपको पहले से वहाँ की भौगोलिक स्थिति का भी अंदाज़ा होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आप कहीं और जाएंगे, गंगा घाटी में चले गए या मान लीजिए आप ब्रह्मपुत्र की घाटी में, हालांकि ब्रह्मपुत्र घाटी के एरिया में पाया जाता है, तो जो भूगर्भिक संरचना होती है उसके जरिए भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि आपको पता चल गया सिस्मिक एक्सप्लोरेशन क्या होता है, अगर जो एग्जाम में आ गया तो इससे पेट्रोलियम भंडार और गैसों का, प्राकृतिक गैसों का पता लगाया जाता है। और जो मैंने बताया प्राकृतिक गैस में मेथेन के रूप में और एलपीजी में, प्राकृतिक गैस मेथेन होती है और एलपीजी में ब्यूटेन होती है, लेकिन जो ये खोजा जाता है कि जो प्राकृतिक गैस वगैरह जो खोजी जाती है तो उसको खोजता कौन है, तो प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन, मान लीजिए कहीं खोज लिया गया कि ये कोई भंडार है, मान लीजिए बॉम्बे है, ये भंडार खोज लिया गया, तो यहाँ से इसका उत्पादन, इसको निकालेगा कौन, तो वो काम करता है ONGC, ONGC और OIL, इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ONGC की स्थापना 1956 जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 जिसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। और शोधन एवं वितरण, मतलब कि जब निकाल लिया गया तो उसको रिफाइन कौन करेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करने का काम करेगा, तो गेल है। तो याद रखेगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में इसकी स्थापना मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। तो शोधन एवं वितरण, प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन, ये सभी बातें आपको याद रखनी है कि आखिर प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन ONGC और OIL करता है और शोधन एवं वितरण गेल करता है। अब इसमें देखेंगे भंडारण भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो भारत में जब देखेंगे तो भारत में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार अपतटीय क्षेत्र में, अपतटीय क्षेत्र में बॉम्बे है, मतलब अगर जो एक लाइन बना दी जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार पश्चिमी तटीय एरिया में पाए जाते हैं, तो सही है कि गलत है, तो आपको बताना है कि ये सही है क्योंकि वो पश्चिमी तटीय एरिया में ही पाए जाते हैं, ये इस एरिया में बॉम्बे हाई वगैरह में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा यहीं पर। हालांकि कहा जा रहा है कि जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा के पास में भी ऐसे भंडारों की खोज वगैरह कहा जा रहा है कि वहाँ पर ऐसा संभावित एरिया है कि वहाँ पर पाया जाएगा। और प्राकृतिक गैस के भंडार में देखेंगे तो बॉम्बे हाई गुजरात है और उत्पादन में भी बॉम्बे हाई गुजरात है। बॉम्बे हाई का ये एरिया गुजरात में देखेंगे तो ये जो खंभात की खाड़ी के पास का एरिया, ये वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ पर भी पाए जाते हैं। बाकी तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी है और त्रिपुरा में भी और आसाम के भी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो और प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उपयोग की बात करेंगे तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र में होता है और उसके बाद में उर्वरक उद्योग में होता है, उर्वरक संयंत्र वगैरह जो लगाए जाते हैं उनमें भी इनका यूज वगैरह किया जाता है। तो उर्वरक संयंत्र और विद्युत क्षेत्रों में भी होता है। और बाकी का इनको याद रखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो देहरादून में है। और प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उपयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र और उर्वरक क्षेत्र। और गेल और ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड, इनके सन वगैरह भी याद रखिए, प्राकृतिक गैस में क्या होता है, LPG में क्या होता है और सिस्मिक एक्सप्लोरेशन क्या है, इसको याद रखिए। और जो भी चीज़ें मैंने बताई कि ONGC क्या करता है, गेल क्या करता है, इनको भी याद रखिए। भंडारण में जैसे मैंने बता दिया कि सबसे सर्वाधिक एरिया बॉम्बे है, बॉम्बे के तट से थोड़ी दूरी पर आप देखेंगे तो वहाँ पर बॉम्बे हाई का एरिया, वहाँ पर ये चीज़ें निकलती हैं। गुजरात में कच्छ से लेकर के ऊपर चले जाइए इस एरिया में तो पाया जाता है। बाकी का अब ये बॉम्बे हाई में क्यों पाया जाता है तो आपके दिमाग में आएगा बॉम्बे हाई में क्यों, तो मैं आपको हल्का सा बता ही देता हूँ कि दरअसल मैं बता दूँ कि ये वाला हिस्सा जो आप प्रायद्वीपी पठार का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, तो प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा जो था पहले अफ्रीका में था, अफ्रीका से जब ये टूट कर अलग हुआ जुरैसिक काल में, फिर ये इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये मान लीजिए जैसे यूरेशियाई प्लेट थी, ये वाला हिस्सा जो था वो अफ्रीका का हिस्सा था, यहाँ पर करीब भारत था, यहाँ से अलग हुआ फिर इस तरफ जा करके मूवमेंट करता है, तो ये फिर जो भी ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे था और ये था, ये आप देखेंगे तो यूरेशियाई प्लेट पे, जब ये इसे जा करके टकराता है, मतलब भारत का जो ये प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा जो था ये जब ऊपर टकराता है यूरेशियाई प्लेट से, तो यूरेशियाई प्लेट के टकराने के पश्चात जब आप ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है, ये जो पश्चिमी घाट का हिस्सा ये ऊपर उठ जाता है और ये पूरा काफ़ी हरा भरा एरिया रहा करता था, तो ये जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठने के बाद ये हिस्सा जो कोई चीज़ जब ज़्यादा उठ जाती है तो टूट करके नीचे चला जाता है, टूट करके नीचे चला जाता है, और जब नीचे चला जाता है तो वो उसके बाद उसके ऊपर समंदर भी आ जाता है, जब हिस्सा जब ये हिस्सा, और कोई भी सीधी बात है, जब कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर उठ जाएगी, ये हिस्सा टकराया, टकराने के बाद में जब आगे का हिस्सा बैठ गया, जैसे आप बाइक से जा रहे हैं ब्रेक लगा दीजिए, ब्रेक लगाएंगे तो पिछला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, तो उसी तरीके से इसमें भी जब ये हिस्सा टकराया जब उससे, तो ये हिस्सा ऊपर उठ गया, जब ऊपर उठता है तो ऊपर उठने के बाद टूट करके अरब सागर में गिर गया,
जब वो हिस्सा अरब सागर में गिर गया, यहाँ पर खूब हरी भरी वनस्पतियां हुआ करती थी, ये सब नीचे दब गई। उसके दबने की वजह से ही ये एरिया में आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको, इसीलिए बोलते हैं कि पश्चिमी घाट भ्रंश का गार है। यहाँ पर आपको पश्चिमी तटीय मैदान का एरिया भी दिखता है, वही जो उसी का एरिया, इसमें वनस्पतियां वगैरह दब गई, उसके ऊपर का एरिया आप जब देख रहे हैं तो वो पश्चिमी तटीय मैदान का एरिया है। यहाँ पर आपको कोंकणकनल माड़ावार के आसपास का क्षेत्र आप देखते हैं, और ये इसी वजह से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। ये इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि ये हिस्सा टकराने की वजह से ऊपर उठ के टूट करके समुद्र में गिर गया, उसके ऊपर फिर अरब सागर का पानी आ गया, वो हिस्सा नीचे दब गया, इसीलिए वहाँ पर भंडार ये मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम देखेंगे तो उर्वरक संयंत्रों के बारे में जिक्र कर देंगे कि आखिर भारत में उर्वरक के संयंत्र कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए, उनका हम जिक्र कर देंगे, तो आपको चीज़ें और समझने में आसानी हो जाएंगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।